हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी। और मैं हूं आपका फ्रेंड कन्हैया सैनी। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक्चुअल में अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स, और इस चैप्टर का जो थर्ड वाला जो पोर्शन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स, वो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें चार इवेंट्स थे। पहला इवेंट था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और सेकेंड वाला जो इवेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अपने को एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी दो टाइप के एम्ब्रियो बनाते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो पहले तो देखो ये टर्म याद रखना, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसी को बोलेंगे अपन एम्ब्रियोजेनी। अब देखो, जाइगोट तो है सिंगल सेल्ड और एम्ब्रियो होता है मल्टी सेलुलर। तो जाहिर सी बात है कि जाइगोट में अपने को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे, तभी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो आज अपन पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो या डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सारी जो चीज़ें हैं वो डायग्राम के बेस पे ही आपको इजीली समझ में आ पाएंगी। डायग्राम ही आपको जो है वो माइंड में रखना है, इसी के बेस पर अपन सारी चीज़ सीखेंगे। तो ये मैंने क्या किया है कि ओव्यूल का डायग्राम बनाया है। अपने को पता है कि ओव्यूल में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और दूसरा बनता है जाइगोट, जिसमें से प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है वो तो रिजल्ट किसका है, ट्रिपल फ्यूजन का, और जो जाइगोट है वो रिजल्ट है किसका, सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन का। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तो डेवलप होके क्या बना लेती है, एंडोस्पर्म। और जाहिर सी बात है कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा, क्यों, क्योंकि वही एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देखो, ये मैंने ओव्यूल की स्ट्रक्चर में बना दिया कि एंडोस्पर्म तो बन चुका है और ये जाइगोट। ध्यान रखना, जाइगोट बना किस तरफ है, टुवार्ड्स द माइक्रोपाइल, क्यों, क्योंकि एग सेल थी वो माइक्रोपाइल थी। तो देखो, डेवलपमेंट है वो माइक्रोपाइल से स्टार्ट होगा और कहां चलेगा, टुवार्ड द सेंटर। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं एंडोस्कोपिक। तो देखो, दो टर्म अभी तक आ चुकी है, दोनों को अच्छे से याद रखना। एक तो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी और दूसरा एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। एक तीसरी टर्म और आएगी, उसको बोलते हैं मीरोब्लास्टिक, वो भी अभी आने वाली है, उसको भी अच्छे से माइंड में रखना। अब ये जाइगोट क्या करेगा, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा और साइज में ग्रो कर जाएगा। ग्रो करने के बाद क्या होगा, इसमें पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, जहां मैं टीडी लिख रहा हूं समझ जाना कि वह ट्रांसवर्स डिवीजन है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद देखो दो सेल बन गई। तो जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ बन रही है, ये मैं लिख रहा हूं एम, एम का मतलब माइक्रोपाइल, और ये सी लिख रहा हूं इसका मतलब चेलेजल पोर्शन है, ये चेलेजल एंड है। तो माइक्रोपाइल की तरफ जो बनती है उसको बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, और जो चेलेजा की तरफ बनेगी उसको बोलूंगा एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल। ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम उल्टा दिया हुआ है, आपको इतना याद रखना है कि माइक्रोपाइल की तरफ बनेगी वो तो होगी बेसल सेल, और चेलेजा की तरफ बनेगी उसको बोलेंगे अपन एम्ब्रियोनल सेल। देखो, नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियोनल सेल तो आगे डेवलप होके क्या बनाएगी, एम्ब्रियो, और ये सस्पेंसर सेल या बेसल सेल आगे डेवलप होके बनाती है सस्पेंसर। तो ये तो देखो पहला डिवीजन। अब इस एम्ब्रियोनल सेल में तो होगा वर्टिकल डिवीजन, और ये जो बेसल सेल या सस्पेंसर सेल है उसमें होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। तो अब क्या हुआ, दो तो एम्ब्रियोनल सेल, ये दो तो है एम्ब्रियो, और ये दो बन सस्पेंसर सेल, स्ट्रक्चर बन गई। और ये जो चारों सेल्स होती है वो टी की फॉर्म में अरेंज है, अब वापिस सुनो। देखो, एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगी, आगे फिर वर्टिकल डिवीजन करेगी। तो ये तो करेगी आगे वर्टिकल डिवीजन, और ये जो मैंने सस्पेंसर सेल लिखी है ये कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। वापस सुनो, देखो, एम्ब्रियोनल सेल तो क्या करेगी, वर्टिकल डिवीजन,
और ये सस्पेंसर सेल कंटिन्यूस ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, या ये करेगी देखो ट्रांसवर्स डिवीजन, तो जब एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल डिवीजन हुआ तो ये देखो ये बन गई चार सेल्स, ये फोर सेल्ड एम्ब्रियो है, दोनों वर्टिकल डिवीजन हुए एम्ब्रियोनल सेल में, पहले ऐसे और फिर ऐसे, आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो अपने पास एक एप्पल है, एप्पल को पहले मैंने ऐसे काटा तो इसका मतलब टू सेल्ड, दूसरा भी वर्टिकल है लेकिन पहले वाले के राइट एंगल पर है, तो ये बन गया अपने पास फोर सेल जो बन गई, ये फोर एम्ब्रियोनल सेल है। तो ध्यान रखना यही केवल एम्ब्रियो है, और यहां पर सस्पेंसर सेल ने क्या किया है, कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन किए हैं, तो 6 to 10 सेल्ड एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसी को बोलते हैं सस्पेंसर। तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, एक्चुअल में 4 सेल्ड एम्ब्रियो है, इसलिए मैंने नाम लिख दिया ये प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब 4 सेल्ड वाला, और ये है सस्पेंसर। सस्पेंसर की वो वाली सेल जो एम्ब्रियो के पास है उसको बोलेंगे अपन हाइपोफाइसिस, और जो सेल माइक्रोपाइल के पास चिपकी हुई है वो एक्चुअल में साइज में थोड़ी बड़ी होती है, फुली विश होती है, उसको बोलते हैं स्टोरियम या वेसिकुलर सेल। यहां तक की चीजें क्लियर? अब एक्चुअल में क्या होगा, ये जो 4 सेल्ड एम्ब्रियो है उसमें फिर डिवीजन होगा, इस बार जब डिवीजन होगा तो ये बन गया 8 सेल्ड एम्ब्रियो, तो इसी 8 सेल्ड एम्ब्रियो को मैंने लिख दिया कि ये प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट है। ऑक्टेंट का मतलब इस बार एम्ब्रियो जो है वो 8 सेल्ड वाला है। यहां पर जो 8 सेल है एक्चुअल में वो 2 टीयर की फॉर्म में है, 2 टीयर का मतलब ऊपर वाली जो आपको 4 सेल्स दिख रही है उनको बोलते हैं अपन एपिबेसल सेल्स, और नीचे वाली जो 4 सेल्स है उनको बोलेंगे अपन हाइपोबेसल सेल्स। तो ऑक्टेंट एम्ब्रियो में जो 8 सेल्स होती है एक्चुअल में वो 2 टीयर की फॉर्म में होती है, अपर 4 सेल्स को बोलेंगे अपन एपिबेसल सेल्स, और लोअर जो 4 सेल्स है उनको बोलेंगे अपन हाइपोबेसल सेल्स। नाम से भी क्लियर है, एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। अब क्या होगा, देखो ये जो एपिबेसल सेल्स है और हाइपोबेसल सेल्स हैं यही आगे चल के क्या करती है, एम्ब्रियो का मेन पोर्शन बनाने का काम करती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एपिबेसल सेल्स और हाइपोबेसल सेल्स है वो क्या बनाती है। एक्चुअल में एपिबेसल सेल्स है वो 3 स्ट्रक्चर बनाएगी। देखो डाइकोट एम्ब्रियो है तो 2 तो बनाएंगी ये कोटिलेडॉन्स, 2 तो बनाएंगी कोटिलेडॉन्स प्लस एपिकोटाइल प्लस प्लूम्यूल, ये 3 स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका है, एपिबेसल सेल्स का। ऐसे ही हाइपोबेसल सेल्स है वो आगे चल के बनाएगी, 1 तो बनाएगी हाइपोकोटाइल और 1 बनाएगी रेडिकल का फॉर्मेशन है वो भी कौन करती है, हाइपोबेसल सेल्स। तो आपको याद रखना है कि एपिबेसल सेल्स है वो 3 स्ट्रक्चर बनाएगी, 2 कोटिलेडॉन्स एपिकोटाइल और प्लूम्यूल, और हाइपोबेसल सेल्स है वो 2 स्ट्रक्चर बनाएगी हाइपोकोटाइल और रेडिकल। ऐसे ही ये जो हाइपोफाइसिस है ये हाइपोफाइसिस आगे चल के क्या बनाती है, रूट कैप का फॉर्मेशन करने का काम इसी का होता है। तो यहां पर जो 8 सेल्ड वाला एम्ब्रियो है उसको मैंने लिख दिया प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। अब ये जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो है इसमें पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे, इसमें से मेजर जो होते हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। तो ये बन गया 16 सेल्ड एम्ब्रियो, इस 16 सेल्ड एम्ब्रियो को अपन बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस भी याद रखना, पहले प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, फिर प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट, और अब बन गया क्या, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। तो ये जो बना है अपने पास ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो ये एक्चुअल में 16 सेल्ड वाला है। तो इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में जो आउटर सेल्स हैं वो बनाती है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म आपने को पता आगे चल के क्या बनाती है, एपिडर्मिस। निचले वाली सेल्स बनाएगी प्रोकैम्बियम, और प्रोकैम्बियम बनाती है वैस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है ये बनाती है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल का फॉर्मेशन। कहने का मतलब इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो की जो आउटर सेल्स है वो बनाएगी प्रोटोडर्म,
फिर बनेगा प्रोकैम्बियम और फिर बन गया ग्राउंड मेरिस्टम। और यही अपने को पता है, अपन प्लांट एनाटॉमी अच्छे से पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर है वो आगे चल के क्या बनाती है, लाइक एपिडर्मिस, लाइक जाइलम फ्लोएम, और ग्राउंड मेरिस्टम बनाता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। तो अब बन गया अपने पास ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो अपने को पता है कि प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टम, दीज आर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। अब ये क्या करेंगे, लगातार रैपिडली डिवीजन करेंगे। जब लगातार डिवीजन होगा तो ये बन गया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया। अब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में क्या होगा, देखो यहां से ये दो कोटिलेडोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, देखो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी और ये क्या बन रहे हैं, दो कोटिलेडोन्स। इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो को मैंने क्या कर दिया, इस ओव्यूल के अंदर बना दिया। तो ओव्यूल में मैंने क्या बनाया, देखो ये तो देखो सस्पेंसर है। सस्पेंसर क्या काम करेगा, सस्पेंसर क्या करता है, इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ऊपर तक धकेलता है, डीप तक, ताकि इसको आसानी से न्यूट्रिशन मिल जाए। तो सस्पेंसर का काम इतना ही है ताकि एम्ब्रियो को आसानी से न्यूट्रिशन मिल जाए। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है तो सस्पेंसर है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखो ये वाले डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बना दिया। ये तो दो बन गए, देखो दो कोटिलेडोन्स, ये सस्पेंसर जो कि बाद में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। दो कोटिलेडोन्स, ये बनाया प्लूम्यूल। बताओ प्लूम्यूल का फॉर्मेशन किसने किया, प्लूम्यूल बनाया है एपिबेसल सेल्स ने। ये बनाया रेडिकल, रेडिकल का फॉर्मेशन किसने किया है, हाइपोबेसल सेल्स ने। और हाइपोबेसल सेल्स के नीचे देखो ये जो बनाया है ना, ये हाइपोबेसिस है, और हाइपोबेसिस क्या बनाएगा, रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऑल्सो नोन एज टाइगेलम। तो इसको अपन बोलेंगे, ये लिखा हुआ है देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऑल्सो नोन एज टाइगेलम। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को भी अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपन एपिकोटाइल, जो कि जाके प्लूम्यूल में एंड हो रहा है, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन हाइपोकोटाइल, और वो जाके क्या होता है, रेडिकल में क्या होता है, एंड होता है। इस बात को अपन दूसरे तरीके से समझे, देखो एक बार, ये अपने पास एक डायग्राम बनाया मैंने, देखो आपको समझाने के लिए कि एपिकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है। तो इस डायग्राम को समझो देखो अच्छे से। एक्चुअल में ये वो डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और अपन ने बनाया है। तो पहले मैं इसी को समझाता हूं, देखो ये दो बन गए कोटिलेडोन्स। तो बताओ कोटिलेडोन का फॉर्मेशन किसने किया है, कोटिलेडोन्स बनाए हैं चार एपिबेसल सेल्स ने। तो दो लिखे मैंने कोटिलेडोन्स। अब देखो यहां पर ये जो है प्लूम्यूल और ये रेडिकल, तो प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में ये जो लिखा है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और रेडिकल के नीचे ये रूट कैप, और रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करती है, हाइपोफाइसिस करती है। अब देखो प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में जो एक्सिस है, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके दो पार्ट हैं, ये वाला जो पार्ट है मैंने क्या किया, यहां से आपको समझाने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो अबो द कोटिलेडोन है और जाके प्लूम्यूल में एंड हो रहा है, उसको तो बोलेंगे अपन एपिकोटाइल, और वो पोर्शन जो कि कोटिलेडोन के लेवल से नीचे है और जाके रेडिकल में एंड हो रहा है, उसको बोलेंगे अपन हाइपोकोटाइल। इस बात को यहां भी समझ सकते हो आप, मैंने ये बनाया है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर ये जो नोड बनाई है ये कोटिलेडोनल नोड है। यहां पर देखो ये दो कोटिलेडोन है, ये दिख रहे हैं आपको लेटरल साइड में। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला जो पोर्शन है, इट इज कॉल्ड प्लूम्यूल। प्लूम्यूल आपको पता है कि जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है, सूट। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियोनल सूट हो गया, और ये जो है इसको बोल दिया मैंने रेडिकल, और ये बनाएगा आगे जाके रूट। तो इस वाले पोर्शन से देखें अपन, नोड से, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो वाला पोर्शन जो अबो द कोटिलेडोन है और जाके प्लूम्यूल में एंड हो रहा है, तो ये तो माना जाएगा एपिकोटाइल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो वाला पोर्शन जो जाके रेडिकल में एंड हो रहा है, उसको बोलूंगा मैं हाइपोकोटाइल। आई होप कि ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ये वाला जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रूट कैप को भी अच्छे से याद रखना कि रूट कैप बनाने का काम किसका है, ये हाइपोफाइसिस बनाती है। तो मैंने क्या किया, इस डायग्राम में आपको ये समझा दिया कि यहां पर ये क्या बन गया, एम्ब्रियो। अब देखो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद अब ओव्यूल, ओव्यूल नहीं रहा, ओव्यूल क्या बन गया, अब सीड बन गया, क्योंकि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही अपन क्या बोलते हैं, सीड कहते हैं। तो अब देखो किस तरीके से मॉडिफिकेशन होंगे,
ओव्यूल मॉडिफाइड इंटू सीड। ओव्यूल में जो इंटूगमेंट थे वो इंटूगमेंट क्या बना लेंगे अब, सीड कोट। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर इंटूगमेंट दो हैं तो आउटर इंटूगमेंट जो होता है उसको तो बोलेंगे अपन टेस्टा, और इनर इंटूगमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन टेगमेन। तो अगर ओव्यूल है वो बाइटेगमिक ओव्यूल है तो इसका मतलब बनने वाला जो सीड होगा उसमें भी सीड कोट है वो दो होंगे। तो ओव्यूल मॉडिफाई हो गया सीड में। तो एक बात और सीखो, देखो मैंने आपको बताया था, एक तो आपको याद रखना है एम्ब्रियोजेनी, एक आपको याद रखना है एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक का मतलब डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हुआ पेरिफेरी से और सेंटर की तरफ गया। और तीसरी बात और याद रखनी है कि यहां पर एक्चुअल में क्या है कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है वो कंप्लीट जाइगोट ने नहीं किया, जाइगोट का केवल ये वाला जो पोर्शन था, क्योंकि सस्पेंसर तो बाद में डिस्ट्रॉय हो गया था। इसका मतलब केवल एम्ब्रियोनल सेल या जाइगोट का कुछ पोर्शन ही आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो एंडोस्कोपिक तो है ही, साथ में कैसा है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक का मतलब जाइगोट का केवल कुछ पोर्शन ही क्या करेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। इज इट क्लियर? एक बात और सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको समझाया है ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मोस्ट कॉमन टाइप का है, और इस टाइप के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए टिपिकल जो प्लांट होता है वो होता है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस जो कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो की स्टडी करने के लिए। और ये जो प्लांट है ये क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है, इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन बोलेंगे क्रूसीफेर या ओनाग्रेट टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोस्ट कॉमन टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बने रहें केएस एकेडमी के साथ।